इस लड़की जैसा तो कोई ना बने। ये तो मेरे दिमाग का दही कर गई है। आगे अब ये चाहे सोने की भी बन के आ जाए ना, मेरी तरफ से तो ना है। They have some really good plays going on. अभी right now हमने एक को रेट किया और मैं चाहती हूँ हम दोबारा भी उस पे जाएं कभी ना कभी। जो जिसमें वो जाहिद और असफर मेरे बन जाओ, एंड देन द अर्लियर वंस हमने जो रेट किए थे दे वर एक्चुअली गुड स्क्रिप्ट्स। अच्छा मुझे मैंने जो देखा नॉट सास बहू, मैंने ये वाला कंटेंट पास कैसे हो रहा है क्योंकि उनकी नजर है। एक राइटिंग राइटिंग में बात करते हैं, मुझे सरवत नजीर हैं जी, और आप बड़ी फैन थी सरवत नजीर। मैं अभी भी हूं बिकॉज़ उन्होंने उनकी के बाद देयर इज अ बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड दिस नेम। मैं अब्दुल कादिर हूं, शिकवा एंड सो मेनी अदर प्लेस, बट यहाँ पता नहीं क्या हुआ है। ये मुझे यही बात जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, वैसे तो बहुत सारे फ्लॉज हैं जनरली इस स्क्रिप्ट में, मगर जो सबसे बड़ा फ्लॉ है वो ये लड़की है। जब आप एक मेन कैरेक्टर बनाते हो ना किसी भी ड्रामे का, चाहे वो लड़की हो या वो लड़का हो, दो तो होते ही हैं ना, ये वो लोग होते हैं जिनके साथ मैक्सिमम लोग रिलेट करते हैं और जैसा वो उनके जैसा वो बनना चाहते हैं। हीरोइन तभी कहते हैं उसको ड्रामे की, और हीरो भी इसीलिए कहते हैं। ना कोई लड़के इस बिलाल के कैरेक्टर जैसा मैं किसी को चाहूँगी कि कोई बने, और ना ही इस लड़की जैसा तो कोई ना बने। सो आप अगर ये सोच रही हैं कि अब ये लड़की ठीक हो गई तो तब तक आप हमें लूज़ कर चुकी होंगी। अगर 11 किस्तों में ये एक लड़की जो है हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे अब ये चाहे सोने की भी बन के आ जाए ना, तो मेरी तरफ से तो ना है। तो राइटिंग के सो आई विल गिव द कैरेक्टर तो सरवत नजीर ने बनाया है इसमें सी सो ये मैं बात की इसमें आया तो कोई फॉल्ट नहीं है जो सो आई एम रेटिंग सरवत राइट नाउ एंड आई विल गिव हर अ 2 ओनली 2 फॉर दिस राइटिंग बिकॉज़ दिस फीमेल प्रोटैगनिस्ट ये तो मेरे दिमाग का दही कर गई है। ये प्रोटैगनिस्ट है तो एंटागनिस्ट क्या होगा? अस्तगफिरुल्लाह नादिया आप क्योंकि राइटर की बात आई है तो वो मैं लाइंस कहूँगी जो दो अगेन एंटी पाकिस्तान अच्छी नहीं लगी मुझे। हमें अपने ड्रामास में ऐसी लाइंस एंटी पाकिस्तान लाइन थी इसके अंदर जिस तरह पहले भी थी कि जी ओह टेररिस्ट, अब इसमें हीरोइन कह रही है पाकिस्तानीज आर हिपोक्रेट्स, मुझे नहीं अच्छा लगा, नहीं कहना चाहिए ऐसी लाइंस, हमें नहीं कहनी चाहिए स्पेशली जब हमारा मुल्क ऐसे सेंसिटिव दौर से गुजर है सारा। हम एक अच्छा इमेज अपने मुल्क का प्रोजेक्ट करना चाहिए। देन फिर दूसरा कि जी पाकिस्तान में रखा क्या है, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ मौके ज़्यादा हैं, वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, उसका मुस्तकबिल अच्छा है। पाकिस्तान में रखा क्या है? पाकिस्तान के साथ जोड़ के हमारे मुल्क का नाम जोड़ के आप एक गलत जुमला नहीं कहना चाहिए, मुझे नहीं अच्छा लगा। पता नहीं शायद बाकियों को सही किसी को लगे, आई डिडंट लाइक इट कि ये बार बार ऐसी चीजें आ रही हैं। मुझे एक बात बताएं क्योंकि इससे बड़े नेगेटिव सेंटीमेंट्स आते हैं। मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूं, देखिए अपने मुल्क के बारे में ऐसे जुमले, ये एक और भी तरह से हो सकता था, ये आप कहीं बात कि जी ये तो मुनाफ़कत है, बस बात समझ आ गई। पाकिस्तानीज आर हिपोक्रेट ये क्यों कहा? कह दें कि भाई मुनाफ़कत है कि आप सिगरेट पे के भी औरतें पी रही हैं तो मर्द औरतें छुपके पी रही हैं तो मर्द ओपन क्यों सिगरेट पी रहे हैं, बात सही है चलो जी आप मुनाफ़कत भी बोलो, हालांकि एक लिहाज है, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक लिहाज है कि आप बड़ों के सामने नहीं पीते या जो भी, लेकिन पाकिस्तान का कह के आप ये कह रहे हो जुमले में पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, ओवरऑल एक जेनेरिक बात कर रहे हैं, ये मुनाफ़कत है, मुनाफ़कत दुनिया की हर सोसाइटी में होती है। मैंने नहीं बोलना था, माया को नहीं बोलना चाहिए था, मैं कहती कि नहीं आपका मैं मतलब क्लियर कर देती कि मैं कहूँगी ये तो मुनाफ़कत है क्यों नहीं, या आप कहें जी यार वहाँ बड़े मौके हैं यहाँ मौके नहीं, यहाँ जिंदगी मुश्किल है, उसका मुस्तकबिल वहाँ बेहतर हो जाएगा। डोंट से पाकिस्तान में क्या रखा,